सो वेल इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ हम एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे कि काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और जो टोटल एनर्जी है वो किसी एक सैटेलाइट के हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था तो उसको हम अप्लाई करने के बारे में सीखेंगे तो देखिए इसमें हमारे पास कुछ प्रॉब्लम इस तरीके से चलेगी कि हमारे पास है फोर हंड्रेड किलोग्राम सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ये जो सैटेलाइट आप यहाँ देख रहे हैं यू आर जस्ट वॉचिंग दिस सैटेलाइट एंड दिस सैटेलाइट इज ऑफ फोर हंड्रेड किलोग्राम ये सैटेलाइट चार सौ किलोग्राम का है एंड इज़ इन द सर्कुलर रेडियस ऑफ टू आर ई तो अनिशली जो इसकी सर्कुलर रेडियस है वो टू टाइम रेडियस ऑफ अर्थ है फिर ये कहा जाता है द हाउ मच एनर्जी इज रिकॉय टू ट्रांसफर इट टू द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस फोर आर ई यदि आप इसको इस सर्कुलर ऑर्बिट से अगले सर्कुलर ऑर्बिट तक ले जाना चाहते हैं यदि आप इसको अगले सर्कुलर ऑर्बिट तक ले जाना चाहते हैं तो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा देखिए इसको समस्या को हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं देखिए दिस इज सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है टोटल एनर्जी uh, को हम कह देते हैं कि जो टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है माइनस ऑफ जी दिस इज एम वन एम टू अपॉन आर अपॉन टू आर राइट सो हियर एम वन इज़ द मास ऑफ अर्थ एंड एम टू इज़ द मास ऑफ द सैटेलाइट एंड अनीशियली द डिस्टेंस इज इक्वल टू टू टाइम रेडियोस ऑफ अर्थ तो हम यह सब्सटीट्यूट कर देते हैं और इसको हम अनिशियली टोटल अनिशियल एनर्जी कह देते हैं सो दिस इज इक्वल टू नेगेटिव माइनस जी दिस इज मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ द सेटेलाइट डिवाइडेड बाई टू टाइम एंड टू टाइम रेडियोस ऑफ अर्थ सो दिस विल बिकम नाउ माइनस जी एम मास ऑफ अर्थ इंटू एम अपॉन फोर टाइम रेडियस ऑफ अर्थ सो दिस इज इक्वेशन नंबर वन सो नाउर द टोटल एनर्जी दिस इज द फाइनल एनर्जी दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस इज जी एम ई एंड मास ऑफ द सेटेलाइट अपॉन टू टाइम ना दूसरे केस में क्या हो जाएगा कि जो आपकी एनर्जी है वो फोर uh, फो, जो आपको अगले ऑर्बिट में उसको ले जाना है और वो जो डिस्टेंस है वो है फोर टाइम आर ई सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एंड मास ऑफ अर्थ इन टू एम अपॉन एट टाइम रेडियस ऑफ अर्थ सो दिस इज इक्वेशन नंबर टू राइट अब हम यहाँ देखते हैं कि जो टोटल एनर्जी है वो कितनी चेंज होती है सो चेंज इन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू सो टोटल एनर्जी फाइनल में से आप टोटल एनर्जी अनिशियल को आप घटा दीजिए इसमें जो पार्ट कॉमन है उसको आप कॉमन रख लीजिए हमारे पास आ जाएगा माइनस जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ द सेटेलाइट अपॉन ए टाइम आर ई माइनस माइनस ऑफ जी एम ई एम अपॉन फोर टाइम रेडियस ऑफ अर्थ राइट सो दिस इज इक्वल टू नाव माइनस जी एम ई एम अपॉन ए टाइम रेडिस ऑफ अर्थ प्लस जी एम ई एम अपॉन फोर टाइम रेडिस ऑफ अर्थ राइट सो नाउ अब हमें जो पार्ट कॉमन आता है उसको कॉमन ले लेते हैं हमारे पास आ जाएगा जी एम ई एम अपॉन आर ई ये वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा ना यू हैव इन साइड माइनस ऑफ वन बाई एट एंड प्लस वन बाई फोर आपके पास एल सी एम आ जाएगा जी एम ई एम अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ और ये मेरे पास आ जाएगा एल सी एम एट और यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस वन प्लस टू सो वी आर लेफ्ट विद द वन बाई एट सो वी हैव टोटल चेंज इन पोटेंशियल सॉरी टोटल एनर्जी में कितना चेंज आएगा दिस इज दिस इज़ पॉजिटिव आई मीन इट इज वन बाई एट एंड दिस इज जी एम ई एम ई एम अपॉन आर ई इसको वैल्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं इसको एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज करते हैं हम क्या करते हैं इसको रेडियस ऑफ आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और रेडियस ऑफ आर से डिवाइड कर देते हैं हमारे पास क्या बचेगा दिस इज इक्वल टू वन बाई एट आपके पास बचा जी टाइम मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर हो जाएगा ये दोनों गुणा हो जाएंगे और आपके पास बचा आगे एम और इन टू रेडियोस ऑफ अर्थ सो ये वाला जो पार्ट है जी एम ई अपॉन आर्थ के इज इक्वल टू एक्सलेन ड्यू टू ग्रेविटी सो वी हैव चेंज इन काइनेटिक एंड टोटल एनर्जी इज इक्वल टू वन बाई एट एंड दिस इज एम जी r r time e so here uh, the mass of the satellite is given to us it is that is 400 kilogram this is now 400 kilogram and acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square and a radius of earth is equal to 6400 kilometer so you can write it like that 6.4 cross 10 to the power 6 meter right so the change in uh, energy kinetic energy is 1 by 8 into uh, the mass of uh, the satellite is 400 and acceleration due to gravity is 9.8 and radius of earth is 6.4 cross 10 to the power 6 so it is uh, uh, found to be uh, kitna direct likh te te and this is 3.13 cross 10 to the power 9 so this is uh, थ्री पॉइंट वन थ्री क्रॉस एंडर्स पावर नाइन जाओ तो इतनी एनर्जी चेंज होगी इतना चेंज आएगा टोटल एनर्जी में एंड दैट इज दिस सीम्स टू बी पॉजिटिव राइट सो नाउ वी विल गो फॉर अ टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा सो काइनेटिक एनर्जी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज हेयर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव एंड इट इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी सो हेयर बट विल हैपन टिक एनर्जी रिड्यूस्ड द कानेटिक एनर्जी इज रिड्यूस तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा सारे का सारा फार्मूला जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा एंड टोटल चेंज इन कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल यूल फाइंड दैट इट इज इक्वल टू माइनस थ्री पॉइंट वन थ्री क्रॉस पावर नाइन जाऊ राइट एंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो डेल्टा वी होगा वो डबल हो जाएगा टोटल एनर्जी का या इट इज इज द टोटल ऑफ टू टाइम ऑफ द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सो दिस इज बी फाइनल माइनस बी एनिशियल इज कू टू क्रॉस माइनस ऑफ थ्री पॉइंट वन थ्री क्रॉस टेंट पावर नाइन चाउट And it is equal to uh, this is uh, minus of 6.26 cross 10 to the power 9 joule. So, this is uh, all about this problem. So, this is the change in potential energy, this is the change in potential energy of the satellite, this is the change in kinetic energy of the satellite, and this is the change in total energy of the satellite. So, this is uh, all about this problem. Thank you.